बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 में सुपर क्लास स्पाइसेस या फिर इसको सुपर क्लास स्पाइसेस कहते हैं, ये फिश की सुपर क्लास है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। सुपर क्लास स्पाइसेस, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ क्वाड्रेट्स व्हिच इंक्लूडेड अबाउट 25,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस। ये जो सुपर क्लास स्पाइसेस है, ये लार्जेस्ट ग्रुप है क्वाड्रेट्स का, जिसमें तकरीबन 25,000 स्पीशीज फिशेस की शामिल हैं। स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्टियोलॉजी। जिस तरह हमने पढ़ा कि इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं, इसी तरह ये जो स्टडी होती है फिश की या फिश के बारे में जो स्टडी होती है उसको इक्टियोलॉजी कहते हैं। अ फिश इज एन एक्वाटिक गिल ब्रीथिंग गैंथोस्टोमेट्स whose streamlined body is provided with paired fins and covered over by dermal scales. Fish की definition कुछ इस तरह से होती है कि fish एक aquatic gill breathing, यानी जो सांस है जो है या जिनमें respiration का जो process है वो gills के through होता है, और ये gynostomers हैं जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और इनमें जो है पेयर ऑफ फिन्स मौजूद होते हैं और इनकी बॉडी जो है स्केल से डर्मल स्केल से कवर्ड होती है। फिश एक एक्वेटिक एनिमल है या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो ब्रीथिंग है वो गिल्स के थ्रू होती है, और ये गैंथोस्टोमेट्स हैं जिनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड है और इनमें पेयर्ड ऑफ फिन्स मौजूद है और इनकी बॉडी जो है वो डर्मल स्केल से कवर्ड होती है। ये एक फिश की प्रॉपर डेफिनेशन है। सुपर क्लास स्पाइसेस इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। ये जो सुपर क्लास है स्पाइसेस की, फिशेस की ये सुपर क्लास है, इसको दो मजीद क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्टिक्थिस। ये जो दो क्लासेस हैं इनमें एक कॉन्ड्रिक्थिस है और दूसरी जो है वो ओस्टिक्थिस है। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजियस फिशेस, दिस ग्रुप आल्सो कॉल्ड क्लास एलास्मोब्रांकाई कंप्राइजेस ऑफ मैरीन फिशेस व्हिच एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज व्हाइल देयर स्किन कंटेन एन इनॉर्मस नंबर ऑफ टेनी शार्प एनिमल कॉटेड टेंटिकल्स कॉल्ड प्लेकोइड स्केल व्हिच फॉर्म देयर एक्सोस्केलेटन। ये जो कॉन्ड्रिक्थिस जो क्लास है इसको एलास्मोब्रांकाई भी कहा जाता है, और इसमें जितने भी मेंबर शामिल हैं वो सब मरीन वाटर में रहती हैं सारी फिशेस, और इनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इसीलिए इन फिशेस को कार्टिलेजियस फिशेस भी कहा जाता है। जबकि इनकी स्किन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी स्किन में जो है एनॉर्मस नंबर में जो है टाइनी शार्प एनिमल कोटेड डेंटिकल्स मौजूद होते हैं जो इनकी जो स्किन है उसको फ्लेशी बनाते हैं या फिर उसको चमकदार वो बनाते हैं। कॉल प्लेकॉइड स्केल, जिनको प्लेकॉइड स्केल कहते हैं, विच फॉर्म देयर एक्सोस्केलेटन, जो इनका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, इसीलिए इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो फ्लेशी टाइप का नजर आता है या फिर वो चमकदार नजर आता है। देयर वाइड माउथ इज वेंट्रल इन पोजिशन एंड देयर टेल फिन्स इज हेट्रो सर्कल। अच्छा, इनका जो माउथ है वो इनके वेंट्रल पोजीशन पे मौजूद होता है और इनका इनके जो टेल फिन है वो हेट्रो सर्कल है। हेट्रो सर्कल मीन्स इनकी जो दुम होती है वो जो टेल जो फिन है वो एक का साइज बड़ा होता है दूसरे का साइज छोटा होता है, इसीलिए इनको हेट्रो सर्कल कहा जाता है। दे आर प्रेजेंट मैनी यूजली 5 एक्सपोज गिल सिल्क ऑन ईच साइड विच आर नॉट covered over by a gill cover, the operculum. इनमें जो है 5 exposed gill cells मौजूद होते हैं और हर साइड में जो है कोई कवर मौजूद नहीं होता है जिसको गिल कवर कहते हैं, और इसी गिल कवर को operculum कहा जाता है, और operculum जो है इनके गिल्स के ऊपर कवर नहीं होता या मौजूद नहीं होता वहाँ। This group includes shark, scales and rays, including shock producing electric ray torpedo.
इस ग्रुप में शामिल हैं शॉक, स्केयर्स और रेज, और इनमें इंक्लूड है शॉक प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक रे टॉर्पेडो। दिस कोइलिडन कार डॉग फिश इज अ स्मॉल शॉक विच इज कॉमन इन आवर सी। इस कोइलिडन जिसको हम डॉग फिश कहते हैं, ये एक स्मॉल शॉक है जो कि हमारे सी में कॉमनली पाई जाती है। क्लास ऑस्टिक्टीज बोनीफिशेस, दिस ग्रुप आल्सो कॉल्ड टेलिस्टोमी, इज एक्चुअली द लार्जेस्ट क्लास ऑफ क्वाड्रेट्स। इस ग्रुप को, ये जो ऑस्टिक्टीज जो है, इसको टेलिस्टोमी भी कहा जाता है। ये एक्चुअली लार्जेस्ट क्लास है क्वाड्रेट्स की। दे आर मेरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज इन विच माउथ ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द इंटीरियर टिप। ये आमतौर पर मेरीन और फ्रेश वाटर में रहती हैं और इनके माउथ की ओपनिंग जो है वो इनके इंटीरियर टिप पर प्रेजेंट होती है। द एंडोस्केलेटन इन दीज फिशेज इज बोनी एंड द एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ थिन बोनी प्लेयर्स विच आर कॉल्ड साइक्लॉइड और स्टेनॉइड। स्केल्स अकॉर्डिंग टू वेदर देयर आउटर एजेस इज स्मूथ और स्पाइनी। इनका जो एंडोस्केलेटन है इन फिशेज का वो बोनी होता है, जबकि इनका जो एक्सोस्केलेटन है इसमें थिन बोनी प्लेट्स मौजूद होती है जिनको साइक्लॉइड्स कहा जाता है या फिर जिन्हें स्टेनॉइड कहा जाता है। और ये स्केल जो है इनके वेदर के हिसाब से इसके एजेस में या तो स्मूथ फॉर्म में होंगे या फिर इसमें इसके जो आउटर एजेस है वहां पे ये स्पाइनी फॉर्म्स में होंगे। द गिल्स आर कवर्ड ओवर ऑन ईच साइड बाय अ गिल कवर कॉल्ड ऑपरकुलम। इनके गिल जो है कवर्ड होते हैं दोनों साइड से, और गिल कवर होता है ऑपरकुलम से। ऑपरकुलम जो एक कवर है जिससे जो है गिल्स कवर होते हैं, उसको ऑपरकुलम कहा जाता है। मोस्ट ऑफ दीज फिशेज हैव एन एयर ब्लैडर विच एक्ट एज हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन। अब इनमें जो है एक एयर ब्लैडर मौजूद होता है अक्सर फिशेज में। ऑस्टिक्टीज क्लास के में कुछ मेंबर्स में एयर ब्लैडर मौजूद होता है जो एज अ हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन बिहेव करता है। टेल फिन इज यूजुअली होमोसर्कल और डाइट्रीसर्कल। टेल फिन जो है होमोसर्कल भी हो सकता है, यानी इसके दोनों जो टेल्स हैं, टेल्स की जो दोनों शाखा जो होती है वो सेम भी हो सकती है और ये डिफरेंट भी हो सकती है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स ईल, सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश, ग्लोब फिश एक्सेट्रा। इस ग्रुप में शामिल जो फिशेस होती हैं इनमें ईल शामिल हैं, सी हॉर्स इस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, फ्लाइंग फिश, ग्लोब फिश वगैरह भी इसी से ताल्लुक रखती हैं। मोस्ट ऑफ द डिलीशियस एडिबल फिशेस आल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप। बहुत सारी जो एडिबल फिशेस होती है जिनको हम खाते हैं वो इसी ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं।